संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद संघ प्रमुख संघ के स्वयंसेवक नीरज शुक्ला के आवास पर रात्रि विश्राम करने के बाद 22 दिसंबर को भागलपुर की कुप्पा घाट स्थित संत सेवी परमहंस जी महाराज के आश्रम जाएंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भागलपुर आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। भागलपुर के SDO संजय कुमार और CT DSP अजय चौधरी ने संघ प्रमुख के रात्रि विश्राम स्थल नीरज शुक्ला के घर बारीकी से निरीक्षण किया। देखिए, जो भी आवश्यक तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जानी थी हम लोगों ने वो कर लिया है। जहाँ जहाँ पे सर का विजिट है हम लोगों ने सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है और वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन कर दी गई है और जो भी सर के कार्यक्रम है उस मुताबिक हम लोग सारा कार्यक्रम करवा लेंगे। लंबे कुछ ज़्यादा घंटे तक यहाँ पे रहेंगे वो? हाँ, वो कल शाम में यहाँ पे आएंगे और रात्रि विश्राम करने के बाद कल परसों पूरा दिन भर का कार्यक्रम है और उसके बाद शाम में उनका यहाँ से फिर 22 घंटे का कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था सर मुस्तैद? बिल्कुल, सारे जगहों पे जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम होना है वहाँ पे विशेष तौर पे हम लोग के द्वारा भ्रमण करके डेपुटेशन किया गया और साथ ही साथ जो रूट लाइनिंग है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है कि सारा रूट हम लोग उस मुताबिक ही डेपुटेशन हम लोगों ने करा है। ट्रैफिक के भी दृष्टिकोण से उसका जारी है। ज्वाइंट ऑर्डर हमारे और SDM साहब के स्तर से निर्गत कर किया जा चुका है। सभी जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे सीनियर रैंक के पदाधिकारी रहेंगे, फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेगा और एक कार्यक्रम यहाँ खरमन चक में है, यहाँ रात्रि आवासन है, यहाँ भी पूरा फोर्स और सबकी व्यवस्था की गई है। यहाँ आसपास में जो लोग हैं उनका ही प्रोफाइलिंग किया गया है और यहाँ से जो अगले दिन जो कार्यक्रम होगा कुप्पा घाट में वहाँ भी पूरे रास्ते में जो उनका रूट है उसके लिए भी पूरा कारकेट पटना से आ रही है और उसके लिए भी हम लोगों ने हर रास्ते में जहाँ भी है वहाँ पर हमारा पूरा फोर्स है और जो कार्यक्रम स्थल की है वहाँ भी पूरा सीनियर रैंक के पदाधिकारी लगाई गई है। निगरानी के जितने भी तरीके संभव हैं वो सब तरीके से हम लोग निगरानी रख रहे हैं। उसका एंटी सबोटाज होगा, डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी VDS भी रहेंगे, सारी व्यवस्था है। पूरे 20 घंटे से ज़्यादा का समय बिताया, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार भी आए थे इसी साल तो हम लोगों ने अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया था, इस बार भी और अच्छे तरीके से होगा। सुरक्षा सर मुस्तैद है? पूरी पूरा मुस्तैद है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज देर शाम भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन लगातार संघ प्रमुख की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी हुई है। CT DSP अजय कुमार चौधरी SPG के अधिकारियों के साथ लगातार कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दे रहे हैं। संघ प्रमुख के आगमन को लेकर भागलपुर में ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। देखिए पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं भागलपुर के सीनियर SP आनंद कुमार। देखिए, उनका जो आज प्रोग्राम है, आज उनका आगमन होगा और वो Z+ प्रोटेक्टिव है और उसके लिए जो भी सुरक्षा के मानक है उसमें जो मॉक ड्रिल भी किया जाता है वो भी किया जाएगा और आज और कल उनका प्रोग्राम है। पूरी रूट लाइनिंग की गई है, पूरे रूट्स पर ट्रैफिक के इसके साथ ही साथ पुलिस के जवान, अन्य जवान भी तैनात रहेंगे और जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर भी जितने लोगों की आवश्यकता है हम लोगों ने तैनाती की है, उसका आदेश निर्गत हुआ है ताकि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो अच्छे से सुचारू रूप से संचालित हो सके। शहर में कई जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 28 नवंबर को बबरगंज थाना अंतर्गत कदघड़ निवासी विनायक प्रताप के घर में हुई चोरी के संबंध में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि रात्रि में अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर नगद रुपये एवं सोने चांदी का आभूषण चोरी कर लिया गया है। जिस संबंध में मुजाहिदपुर बबरगंज थाना में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर इस केस के उद्भेदन का निर्देश दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इस कांड में चोरी किए गए जेवर के खरीदार रामविलास शाह को भी गिरफ्तार किया गया एवं चोरी किए गए जेवरात एवं 80,500 रुपये नगद बरामद किए गए। थाना क्षेत्र का है, इसमें एक गृह बेदन का केस हुआ था 27/11/23 को। इसमें आवेदक विनायक प्रताप के घर से सोना चांदी और नगद रुपए ये सब चुरा लिया गया था। इसमें केस दर्ज किया गया और इसका सब सीसीटीवी वगैरह का अवलोकन करने के उपरांत सफल उद्भेदन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व भी डीएसपी सिटी अजय चौधरी जी कर रहे थे और थानाध्यक्ष की जो बाकी टीम थी उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। सीसीटीवी की मदद से जो जिसने इस घटना को कारित किया उसकी पहचान की गई और इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज, गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा और जिसको ये चोरी का सामान बेचा गया था रामविलास शाह, इन 3 लोग की गिरफ्तारी की गई है और जो बरामदगी है वो चांदी का टोटल जो सामान था 767 ग्राम का है वो बरामद किया गया है। 8 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 80,500 रुपये नगद बरामद किए गए। तो ये लोग इस सोने को बेच के अपने मतलब इन 4 लोगों के बीच में डील हुई थी, तो 4 में से 2 लोग पकड़ाए गए हैं, ब्रह्मदेव शाह और गौरव गोस्वामी, कुंदन और सोनू अभी फरार चल रहे हैं। इन लोग की छापेमारी की जा रही है। इन लोग में 30,000 रुपये की डील हुई थी आपस में और ये लोग सोना और चांदी गला के इसको रिकवर करने वाले थे पैसे को। तो गली हुई हालत में कुछ कुछ सोना और कुछ कुछ उसी हालत में मिल गया है, सोना और चांदी बरामद कर लिया गया। तो एक बहुत अच्छा केस डिटेक्ट किया गया पुलिस के द्वारा गृह बेदन का। और भी बरारी थाना क्षेत्र के किराए के मकान में नाबालिग छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में फंदे से लटका हुआ शव मिला। मधेपुरा की रहुआ की रहने वाली नाबालिग छात्रा अपने छोटे भाई के साथ भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र की कटहलबाड़ी मोहल्ले में 1 साल से रहकर पढ़ाई करती थी। नाबालिग की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर बरारी थाने की पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक युवती की पहचान 13 वर्षीय साक्षी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं साक्षी के पिता ने बताया, कुछ दिन पहले बगल के किराए में रह रहे कुछ लोगों से झगड़ा चल रहा था, उसी का बदला मेरी बेटी से लिया गया है। नए साल में भागलपुर जिले में जाम छलकाने वालों और लाल पानी के सौदागरों पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा नकेल कसने को लेकर विशेष तैयारी कर ली है। विशेष 7 टीम का गठन लाल पानी के शौकीन और उसके कारोबारियों पर पैनी नजर रखेगी और ऐसा करते पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी टीम जिले के अलग अलग क्षेत्र में आज से ही सघन जाँच अभियान और छापेमारी के लिए रवाना हो गयी, जो प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात्रि तक यह अभियान चलाएगी। मैं अधीक्षक मद्य निषेध भागलपुर संजय कुमार हूं। भागलपुर में शराब की बिक्री स्टोरेज कर नहीं होती है। यहां शराब की बिक्री निगत मिर्जा चौकी हनवारा चेक पोस्ट से वो गलत ढंग से मोटरसाइकिल में लाकर बैग में पिट्ठू लाकर ये लोग करते हैं, वैसे लोग पकड़े गए हैं। अभी तक 15 दिनों में हम लोगों ने जो छापामारी करी है वो करी है 837 छापामारी में 104 केस दर्ज किए हैं, 151 पीने वाले और 48 बेचने वाले पकड़े गए हैं। टोटल 199 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है और इसमें देसी शराब 757.805 और फॉरेन लेकर विदेशी शराब 809.885 रिकवरी की है। 5 वाहन पकड़े हैं। कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है, नए साल आ ही गया है, अब 10 दिन मात्र बचे हैं। हम लोगों ने आज से ही अभियान शुरू किया है कि जितने भागलपुर शहरी, नवगछिया शहरी, कहलगांव शहरी क्षेत्र हैं, वो शहरी क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल से, पिट्ठू से, टोटो से, जिससे भी लोग कैरी कर रहे हैं, उन सब को पकड़ने के लिए अभी आप लोगों ने देखा भी कि 7x14 गाड़ी अभी निकली है और वो 14 गाड़ियों में हर चौक चौराहे पर जांच करेगी और रात के 12 बजे तक करेगी। दूसरे दिन पुनः यह अभियान चलेगा
और मुख्यालय स्तर से जो नोडल है इसके अलावे हम लोग करते हैं लगातार कार्रवाई कर रहे प्रतिदिन। नोडल के अलावे भी मैं छापामारी कर रहा हूँ, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उनको दहशत है, वो छमकाएंगे कैसे, ये आपका शब्द है जाम छलकाना, लेकिन मेरा शब्द नहीं है। उनको हम ये अवसर ही नहीं उपलब्ध कराने जा रहे हैं होटल में। जी जी पहले ही कार्रवाई होगी। क्या होटल में? होटल में और लॉज में, विवाह स्थल पर भी हम छापामारी कर रहे हैं। अभी तो खराब महीना शुरू हो गया, खरमास है इसलिए बंद हो गया, नहीं तो हम लोग विवाह स्थल पर भी छापामारी। एक पीड़ित परिवार आज वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय अपनी पीड़ा को लेकर पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2022 में ही मेरे घर में भारी मात्रा में जेवरात और पैसे की चोरी हुई थी, जिसके लिए मैं कई थानों में आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेकर मैं SSP के कार्यालय पहुंचा हूं। उन्होंने बताया कि इस केस को लेकर जो IO केस डायरी मेंशन किया है उसमें भी कई चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और मेरी चोरी हुई संपत्ति मिल जाए, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वरना मैं काफी दिक्कत में हूं, परेशान हूं, मेरे परिवार को खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। पीड़ित के घर 2022 में ही चोरी हुई थी, चोरी जिसमें 2,00,000 रुपए नगद और भारी मात्रा में सोना और चांदी के जेवरात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। 6/2022 को मेरे घर में चोरी हुआ था। मेरा घर गंगा विहार कॉलोनी रानी तालाब सबौर रोड के स्थित है। मैं 30 तारीख को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल में FIR दर्ज किया और तब से लेके आज तक किसी प्रकार का प्रशासनिक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। IO पहले भिक्की कुमारी थी, भिक्की कुमारी का बाबूराम सर थे तो उस समय उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद अजय कुमार मिश्रा को बनाया गया। अजय कुमार मिश्रा सस्पेंड हो गए, उनके पास 189 डायरी उनके पास था। मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला था, इंस्पेक्टर साहब का कहना हुआ कि VC कॉल SSP साहब के साथ हुआ है, उसमें वो सारा डायरी लेके फरार हैं और कौशलेंद्र भारती को बोला गया है कि उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। क्या क्या चोरी हुआ था? मेरा सर सोना था, लगभग आपका 700 ग्राम था और 6 किलो के लगभग चांदी था, 2,00,000 कैश था, कपड़ा था, पैंट कोट पैंट था, टी शर्ट था वगैरह, मतलब ढेर सारा कपड़ा उपड़ा भी था। जी संकल्प यात्रा रैली को लेकर भव्य बनाने के लिए रामविलास लोजपा पार्टी की प्रदेश की कई अधिकारी भागलपुर पहुंचे। संकल्प यात्रा के तहत भागलपुर शहर में लोजपा पार्टी की संकल्प यात्रा रैली को लेकर आज एक अहम बैठक की गई, जिसमें सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मजबूती को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा में शामिल होने की बात कही। संकल्प यात्रा रैली को सफल बनाने के लिए बैठक में शिरकत करने पहुंचे रामविलास लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अमर कुशवाहा, भागलपुर के पूर्व प्रत्याशी राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे बिहार में संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में 36 जिला के बाद भागलपुर में संकल्प यात्रा रैली के लिए बैठक की गई, जिसमें सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी प्रखंड व बूथ स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं संकल्प यात्रा रैली से गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत और धारदार बनाने को लेकर यह संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है, जहां 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा पार्टी पूरे बहुमत के साथ बिहार में कामयाबी हासिल कर सके। यात्रा में सभी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री हमारे साथ हैं और हम लोग आज 36वां जिला में हैं। 38 जिला और 2 पुलिस जिला में हम लोग को जाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया है और आज भागलपुर की धरती पर आए हैं हम लोग और यहाँ पे सभी हमारे जिला के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी हमारे जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत के अध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं और सब हम लोग संगठन को कैसे बूथ स्तर पर धारदार करेंगे इसकी चर्चा करेंगे और इसका संकल्प लेंगे। साथ साथ जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विज़न है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विज़न, उसको घर घर तक पहुँचाने का संकल्प लेंगे। अब विज़न में आप जानते होंगे कि जैसे बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, लेबर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है बिहार, उससे मुक्ति मिले, कैसे बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे, कैसे किसानों के
जो पैदावार का उचित मूल्य बिहार सरकार नहीं दे रही है MSP के रेट पे, वो मिले, कल कारखाने का कैसे सृजन हो, आदि बहुत सारे मुद्दे जो बिहारी फर्स्ट में हैं, उसको हम लोग कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और उसको संकल्प लेंगे कि घर घर तक हमारे नेता का, चिराग पासवान जी का संदेश जाए। और ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसको देखते हुए मां आनंदी संस्थान की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गर्म कपड़े और खाने की सामग्री जरूरतमंदों के बीच वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी एवं संस्था के सदस्यों ने संयुक्त रूप से गणेश वंदना से किया। तत्पश्चात नीली वर्मा के द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई, जिस पर कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया और भजन का आनंद उठाया। आज के कार्यक्रम में छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, पुरुष सभी उपस्थित थे। सभी लोगों को संस्था की तरफ से खाने की सामग्री के साथ साथ गर्म कपड़े का वितरण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर आज हम लोग गर्म कपड़े का वितरण कर रहे हैं और संस्था की तरफ से यह इस सीजन का ये फर्स्ट वार्म क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरह के कई कार्यक्रम होते रहते हैं हमारी संस्था की ओर से और इसमें नए एवं पुराने कपड़े का वितरण किया गया। और सबसे खास बात यह है आज बहुत दूर दूर से लोग आए, सिर्फ भागलपुर शहर ही नहीं बल्कि भागलपुर शहर से बाहर बाहर के लोग भी आए। और उसमें भी जो सबसे खास बात यह है कि आज हम लोग यहाँ पर गर्म कपड़े का वितरण किए हैं, वो भी पुराने गर्म कपड़े का। और जितने भी लोग आए हैं वो सभी को मालूम था जो आज पुराने कपड़े का वितरण हो रहा है, लेकिन फिर भी आज हमारा यह कार्यक्रम 12 बजे से शुरुआत होने वाला था और वो लोग 2 घंटे पहले से यहाँ वेट कर रहे थे। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ जो आपके पास जो यूजलेस और वेस्टलेस चीज़ है जिसको कि आप पूरा समझते हो, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए वो बहुत ही उपयोगी होता है और किसी को उसके आंखें बिछाए इंतजार होती है। तो आपके पास यदि कोई भी इस तरह की सामग्री है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो कृपया हमारी संस्था तक आकर पहुँचाएँ